मॉर्निंग दोस्तों, तो आज संडे है और आज है 31 दिसंबर। वैसे आज मैं मेला घूमने जाने वाला नहीं था क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा मौसम भी हुआ था, थोड़ा थोड़ा हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, इसलिए ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है अभी। सो हे गाइज, दिस इज प्रतीक हियर, वेलकम बैक टू माई चैनल के प्रतीक ब्लॉग्स। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे फास्ट। दिल्ली में एक ही बाइक स्प्लेंडर पर चलाते चलाते बोर हो गया था, तो चलो इसे फिर हम इसमें बदल देते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मनियापुर के मेले में आ गया हूँ। यहाँ पे बाइक यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है और यहाँ पे बाइक का लगा है 30 रुपीज़। मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे जो ये वाला मिला है हमको एक रसीद, यहाँ पर लिखा है 30 रुपीज़। बाइक के यहाँ पर 30 रुपीज़ लग रहा है। तो गाइस, फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ बनियापुर के मेला का जो हाईवे है वहाँ पे आ गया हूँ। ये जो देख रहे हैं हाईवे, ये से आ जाता है जलालपुर की तरफ, ये जाता है इधर सहाजपुर की तरफ। और फिलहाल जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है पूरा बनियापुर मेला का नजारा दिख रहा है। बनियापुर मेला अब यहाँ पे देख पा रहा है, यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। जैसे ही सोनपुर मेला खत्म होता है वैसे ही जो बनियापुर का मेला है वो स्टार्ट होने लग जाता है। और ये जो बनियापुर मेला का जो सुप्रसिद्ध जो यहाँ का जलेबी होता है और मीठा वाला जलेबी होता है। तो जब भी मैं बनियापुर के मेले में आता हूँ एक चीज में कभी मिस नहीं करता, वो है यहाँ पे गन शूटिंग। यहाँ पीछे गन शूटिंग का दुकान लगा हुआ है। भाई कितने का है? 20 का 6 है। 20 का 6 दे दीजिए, 20 का। आइए, मैंने ले लिया है 20 का 6। अभी मैं देखता हूँ क्या मुझसे फूट पाता है या नहीं। मुझे लगा पहले फूट नहीं रहा है, तो बारे पास चला कि इसको गोली निकल ही नहीं रहा था, फिर एक ट्राई करते हैं फूट जाएगा। अभी निकलेगा। फिलहाल मैं इस बनियापुर मेला में घूम ही रहा था और कुछ सब्सक्राइबर है वो मिल गए हैं। हाय, आपका गांव का नाम कौन पड़ेगा? यारेपुर। क्या लग रहा है मेला में आज तो भीड़ भी नहीं है, बहुत कम भीड़ है? आज भीड़ नहीं है, बस कल भीड़ होगा, कल आइएगा, कल माहौल देखिएगा कि यहाँ का। तो इस मेले में बोटिंग भी हो रहा है भाई साहब। तो मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बच्चे बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं अभी छोटा रहता तो मैं भी आके इसमें बोटिंग करता, मुझे भी खूब मजा आता। मुझे यहाँ अलावा नहीं किया इसमें बोटिंग करने के लिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं इस बनियापुर मेले के ऊनी कपड़ा वाला सेक्शन, अभी मैं उस सेक्शन में हूँ। पे बहुत तरह के कपड़े यहाँ पे मिल रहे हैं। पीछे यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए जैकेट मिल रहे हैं, यहाँ पे आदमियों के लिए बहुत सारे जैकेट मिल रहे हैं। बनियापुर मेला में बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। फिलहाल मेरे बगल में है ये वाला झूला है, इसमें का जो प्राइस है 20 रुपीज़ है। मैंने बोला कि मुझे झूला था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम बड़े हो गए, तुमको इसको नहीं चढ़ने देंगे, नहीं तो फट ही जाएगा। अगर मैं उसको चढ़ रहा था मुझे बहुत ही मजा आता। अभी फिलहाल मैं इस मेले के जो पेड़ पौधे वाले सेक्शन है उस सेक्शन पे हूँ और यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे फूल मिलते हैं, बहुत तरह के यहाँ पे पेड़ मिलते हैं, चाहे वो आम का पेड़ हो, लीची का पेड़ हो या कटहल का पेड़ हो, किसी भी टाइप का आपको जो पेड़ चाहिए आपको इस बनियापुर मेले में मिल जाएगा। जैसे सोनपुर मेला में हर टाइप का पेड़ मिलता है, अगर आप यहाँ पे आओगे बनियापुर मेले में तो भी यहाँ पे इजली मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आम का पेड़ लगा हुआ है, बड़ा बड़ा आम का पेड़, ये भी आप खरीद के ले जा सकते हो। इधर देखोगे तो गमले में लगाने के लिए अलग टाइप के गेंदे का फूल दिख रहे हैं और इधर भी बहुत टाइप के फूल हैं, यहाँ से आप खरीद के लेके जा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। जब मैं मेला में 10 बजे आया था भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, जैसे जैसे शाम होते जा रहा है, मेला में और ज़्यादा भीड़ बढ़ते जा रहा है। अभी मेला में कुछ खासा भीड़ नहीं है, फिर भी जो पहले से ज़्यादा भीड़ अभी हो गया है, अभी दोपहर का 1 बज रहा है लेकिन भीड़ उससे भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है।
तो फिलहाल मैं जहाँ पे अभी बाइक लगाया था मैं वहाँ पे आ गया हूँ अपना बाइक लेने के लिए। मैंने इस पूरा बनियापुर मेला को एक्सप्लोर कर लिया। तो अगर आपको ये मेला वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इन फ्यूचर आप ऐसा ही ब्लॉग और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।